तो आ गया यार एक और नए वीडियो के साथ हुआ पीस। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने लगे किस तरह से आप जो है मोबाइल से अमेजोन अफिलेट अकाउंट को बना सकते हो। गाइज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है मोबाइल से अमेजोन अफिलेट अकाउंट बनाकर पैसे कमा सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और सारी प्रोसेस हम जो अपने मोबाइल से ही फॉलो करने वाले हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर आपको जो सारी प्रोसेस के लिए गूगल क्रोम का ही यूज़ करना होगा। सबसे पहले आपको जो गूगल क्रोम में सर्च करना है amazon.in। जैसे आप जो amazon.in सर्च करोगे आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो गूगल क्रोम में ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट कर लेना है। इससे जो अमेजोन की वेबसाइट है ये डेस्कटॉप की तरह ओपन हो जाएगी और हमारा जो इंटरफेस है वो हमें क्लियरली दिखाई देगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको जो वेबसाइट के एकदम एंड में आ जाना है। यहाँ पर आपको एंडिंग में आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है मेक मनी विथ अस, और गाइज यहाँ पर आपको थर्ड नंबर ऑप्शन मिलता है बिकन एन अफिलिएट। गाइज आपको जो इस पर क्लिक करना होगा जिसे मैं हाईलाइट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइज जैसे आप जो बिकन एन अफिलिएट पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो साइन अप करने का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आप जो इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है अमेजोन अफिलिएट अकाउंट के रिलेटेड, तो आप जो है अगर आपके पास टाइम है तो ये पढ़ सकते हो, वरना आप लोग जो है डायरेक्टली साइन अप बटन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर गाइज मैं जो साइन अप बटन पर क्लिक कर देता हूँ, आप लोग भी जो साइन अप बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप जो साइन अप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो 4 स्टेप ओपन हो जाएगी जो कि रिक्वायरमेंट है हमारे अमेजोन अफिलेट अकाउंट बनाने के लिए। तो गाइज यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर हमें जो अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो यहाँ पर जब हम अमेजोन अकाउंट बनाते हैं तब वहाँ पर हम जो है अपना नाम एड्रेस वगैरह ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, अगर आप चाहो तो यही सब इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आपको नहीं ऐड करना तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर आपको पे ही नेम लिखा है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर आपको एड्रेस के लिए 3 सेक्शन मिल जाएंगे, एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3। उसके बाद सिटी, जिप कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऐड करना है, मोबाइल नंबर भी ऐड करना है। उसके बाद आपको जो सबमिट पे क्लिक करना है। बट गाइज जब मैंने अमेजोन अकाउंट बनाया था तभी मैंने ये सब अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी थी, इसलिए मुझे जो है ऊपर इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको भी इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट दिस एड्रेस। अगर आपको यही एड्रेस नाम वगैरह चाहिए तो आपको सिलेक्ट दिस एड्रेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा वो इज़ द मेन कॉन्टेक्ट ऑफ दिस अकाउंट। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है द पे लिस्टेड अबाउ, यानी कि जिसका हमने नाम लिखा है वही इसका जो है कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पर आपको उस पर सिलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फॉर US टैक्स पर्पस आर यू अ US पर्सन। अगर आप US से हो तो आपको यस करना है, अगर आप US से नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर गाइस मैं जो नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगी, तो हमारी सेकंड स्टेप है वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट। तो यहाँ पर गाइस आपके पास अगर कोई वेबसाइट है यहाँ पर उसको आपको ऐड करना होता है, जहाँ पर हम जो अमेजोन एफिलिएट लिंक शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर गाइज मेरे पास एक ब्लॉगर की वेबसाइट है तो उस वेबसाइट की लिंक जो है मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो ऐड वाला ऑप्शन मिलता है ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको एक आगे ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। यहाँ पर मैंने अपनी अपनी वेबसाइट को ऐड कर दिया। उसके बाद मैं ऐड पर क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट मेरी जो है ऐड हो जाएगी। उसके बाद गाइज अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है और आप यूट्यूब चैनल पर भी एफिलिएट लिंक शेयर करना चाहते हो तो आप जो अपने यूट्यूब चैनल के लिंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और जो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिल रहा है मैं ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर अगर आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपका खुद का है तो यहाँ पर आप जो उस एप्लीकेशन में भी एफिलिएट लिंक शेयर कर सकते हो। उसके लिए आपको जो मोबाइल ऐप के लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल के लिए मैं जो यूट्यूब और मेरी वेबसाइट को ऐड कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गाइस थर्ड स्टेप है हमारी प्रोफाइल, तो यहाँ पर हमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो प्लीज़ ये सारे सेक्शन को ध्यान से देखना। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है व्हाट इज़ योर प्रेफर एसोसिएट स्टोर आईडी, मतलब जो हम अमेजोन एफिलिएट अकाउंट पे स्टोर बनाना चाहते हैं उस स्टोर का आप नाम क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पर आप जो अपना नाम रख सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल का नाम रख सकते हो, या जो भी आपको रखना है यहाँ पर आप जो रख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं अपने YouTube चैनल का नाम रख देता हूँ और यही चैनल से मेरा जो है अमेजोन पे एक स्टोर क्रिएट हो जाएगा। तो आपको जो भी नाम रखना है आप जो यहाँ पर नाम रख सकते हो। उसके बाद गाइज हमने जो वेबसाइट ऐड की थी वो वेबसाइट यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। तो मैंने पहले से अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के लिंक यहाँ पर ऐड कर दिए। उसके बाद मैं डायरेक्टली नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो अपनी वेबसाइट या ऐप के बारे में लिखना है कि आपकी वेबसाइट या जो ऐप है वो किस रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने टेक्नोलॉजी और यूट्यूब टिप्स लिख दिया है। उसके बाद गाइज नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक द डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपकी जो वेबसाइट है या जो मोबाइल ऐप है वो किस टॉपिक पे है। तो यहाँ पर आपको एरो मिल जाता है, आपको एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी
कैटेगरी मिल जाएंगी। तो आपका जो भी वेबसाइट है या जो भी यूट्यूब चैनल की कैटेगरी है आपको इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो भी कैटेगरी में आपका वेबसाइट या जो मोबाइल ऐप है वो आता है आपको वहाँ पर जो है उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल के लिए गाइस मैं जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सेकंड भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन में भी आपको सेम स्टेप फॉलो कर, तो यहाँ पर भी मैं जो कोई कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेकंड स्टेप के लिए गाइस यहाँ पर मैं जो है सोशल नेटवर्किंग साइट सेलेक्ट कर दिया हूँ। उसके नीचे गाइस लिखा है आप जो है अमेज़ॉन के कौन से प्रोडक्ट को अपने मोबाइल ऐप या वेबसाइट में एफिलिएट लिंक शेयर करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको जो अमेज़ॉन के कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप जिस भी प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक शेयर करना चाहते हो उन सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको मेरी सजेशन दूँ तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप जो है इन सारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो बाद में इसे चेंज भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स जिसे चूज़ कर लेता हूँ। उसके नीचे गाइस आपको ऑप्शन मिलता है व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, यानी कि आपकी वेबसाइट जो है या जो मोबाइल ऐप है वो किस टाइप के। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ टाइप्स मिल जाएंगे, आपको एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप जो है सिलेक्ट प्राइमरी टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ टाइप्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टॉपिक्स है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपके वेबसाइट या मोबाइल ऐप के लिए आपको कौन सा सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर गाइस आपको अगर आपके वेबसाइट या मोबाइल ऐप के टाइप पता है तो यहाँ पर आप जो वो टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने वेबसाइट और मोबाइल ऐप का टाइप नहीं पता है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है और कंटेंट ऑन नीच वेबसाइट, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं मेरे केस में जो है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे वापस ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट सेकेंडरी टाइप, तो सेकेंडरी टाइप में भी आप जो सेम ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ और कंटेंट और नीच वेबसाइट। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको जो नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो ट्रैफिक एंड मोनिटाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपकी जो वेबसाइट या जो मोबाइल ऐप है उस पर ट्रैफिक कहाँ से आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पेड पैसे देके भी ट्रैफिक लेते हैं, कोई कोई SEO के जरिए से ट्रैफिक लेते हैं, कोई कोई दूसरे सोशल मीडिया के जरिए से ट्रैफिक लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये अमेज़ॉन को बताना है कि आपकी जो वेबसाइट है या जो मोबाइल ऐप है उस पर ट्रैफिक कहाँ से आता है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी पेड व्यूज़ नहीं लेता तो मैं डायरेक्टली जो SEO और अदर्स पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप टू जनरेट इनकम, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप जो अपनी वेबसाइट या जो मोबाइल ऐप है उस पर पैसे कमाने के लिए क्या ऑप्शन को यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल के मैं जो गूगल एडसेंस ही यूज़ करता हूँ, तो मैं गूगल एडसेंस को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप कोई और एफिलिएट प्रोग्राम यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको और भी एफिलिएट प्रोग्राम मिल जाएंगे। अगर आप उन्हें यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको उसे सिलेक्ट करना है। तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल के लिए गूगल एडसेंस यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं गूगल एडसेंस को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद जो सेकंड आपको ऑप्शन मिलता है उसमें यहाँ पर आपको जो लास्ट ऑप्शन मिलता है अमेज़ॉन एसोसिएट इन द ओनली मोनिटाइजेशन आई यूज़, तो आपको जो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जो कि लास्ट वाला है, और इसे मैं आपको जो हाईलाइट करके भी बता दूंगा। तो यहाँ पर लिखा है अमेज़ॉन एसोसिएट इन द ओनली मोनिटाइजेशन आई यूज़, इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट ही मैं अपने वेबसाइट पर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है हाउ डू यू यूजली बिल्ड लिंक्स, यहाँ पर इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो सिलेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो है HTML कोडिंग के जरिए से अमेज़ॉन एफिलिएट की लिंक शेयर करना चाहते हो तो आपको HTML एडिटर सेलेक्ट करना है, वरना आपको जो मैनुअली वीआर टेक्स्ट एडिटर इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस ज़्यादातर लोगों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि मैनुअली जो वीआर टेक्स्ट एडिटर है इसे ही आप लोग जो है सिलेक्ट करना। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लिखा है कि आपको जो वेबसाइट है या जो मोबाइल ऐप है उस पर मंथली ट्रैफिक कितना आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जो भी जितना भी आपका वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर ट्रैफिक आता है मंथली, यहाँ पर आप जो इसे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद गाइस नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपका रीज़न क्या है अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट को ज्वाइन करने का। तो यहाँ पर हमारा रीज़न है अमेज़ॉन एफिलिएट से पैसे कमाना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टू मोनिटाइज माय साइट, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, मतलब अमेज़ॉन एफिलिएट के बारे में आपने कैसे सुना। तो यहाँ पर आपको जो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको जो भी सही लगता है यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको एक कैप्चा मिल जाएगा, आपको कैप्चा ऐड कर देना है, और नीचे आपको छोटा सा चेकबॉक्स मिलता है, आपको उस चेकबॉक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर गाइस हमारा अकाउंट जो है तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर लिखा है कांग्रेट जुनेद यूसुफ पठान, और यहाँ पर मेरी जो नीचे स्टोर आईडी भी दिखा रही है जो कि है टेक जुनेद 0821। अब जब भी मैं एफिलिएट लिंक शेयर करूँगा तो ये जो मेरी स्टोर आईडी वहाँ पर दिखाई जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर मेरे जो मेल वगैरह सब कुछ आ चुका है कि मेरा अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एंटर यूर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको जो है अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए टैक्स इन्फॉर्मेशन और आपको जो है पेमेंट डिटेल्स भी ऐड करनी पड़ती है, जैसे बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आप जो वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, वरना अगर आपको बाद में करना है तो आप जो लेटर पे क्लिक कर देना। तो मैंने लेटर पे क्लिक कर दिया है। अब अगर आप देखोगे तो अमेज़ॉन के ऊपर साइड में जो एक स्ट्रिप बनकर आ रही है जिसे मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। अगर गाइस आपके भी अमेज़ॉन अकाउंट में इस तरह की स्ट्रिप बता रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना अमेज़ॉन अफिलिएट
एफिलिएट अकाउंट जो है बना लिया है। उसके बाद अभी मैं आपको जो एक प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक बनाकर बता देता हूँ। तो समझते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट को जो है शेयर करना है किसी के भी साथ, तो यहाँ पर मैं उस प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा। प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद ऊपर अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रिप में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का, जिसे मैं हाईलाइट करके आप लोगों को बता दूंगा। तो इस टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो टेक्स्ट प्लस इमेज दोनों भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप जो टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक को आप जो अपने वेबसाइट यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। और अगर किसी ने भी इस लिंक से वो प्रोडक्ट को परचेज़ किया तो आपको जो उसका कमीशन आपके अमेज़न अफिलिएट अकाउंट में मिल जाएगा, जिसे आप जो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो गाइज मैंने आपको जो पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बता दिया कि कैसे आप जो मोबाइल से अमेज़न अफिलिएट अकाउंट बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप जो अपनी अर्निंग कहाँ पर चेक कर सकते हो। अर्निंग के लिए गाइज ऊपर स्ट्रिप में आपको जो अर्निंग का एक ऑप्शन मिलता है, आपको अर्निंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको जो सारी ए टू जेड रिपोर्ट मिल जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट बिका, कहाँ से बिका, उसकी डिलीवरी हुई या नहीं, सब कुछ आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है होम का, आपको होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद यहाँ पर आप जो अपने टोटल अर्निंग चेक कर सकते हो कि पर मंथ आपके अमेज़न अफिलिएट से कितनी अर्निंग हुई है या कौन से प्रोडक्ट से आपको कितना कमीशन मिला है, सब कुछ आप जो है अमेज़न अफिलिएट में होम वाले सेक्शन पर आकर चेक कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको जो जितने भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे यहाँ पर आपको सारी की डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी होम वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं जो कि हमारे काम के लिए नहीं है। जब इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको जो सब कुछ अमेज़न अफिलिएट का समझा दूंगा। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज आप लोग के लिए हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन को जोर से प्रेस कर लेना। तो आज के दिन में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।